Alright people, welcome to your own Akash Baiju's Neat channel. I'm Dr. Pankri Miglani, your biology teacher. A very, very good afternoon and welcome to another session of the very important chapter of biological classification. This is Target Neat series targeting Neat 2024, 2025 and even 2026 aspirants. Yeah, happy about it. Shilpa Datta, Vantika Sharma, Hardevi, Pushti Sharma, Sambit, Shoa Rizvi. Good afternoon. Thank you for all the hearts, love, wishes, blessings. Good afternoon, Milendra, Gyanshu Singhal. Good afternoon. Fatafat, jisko yaad nahi hai, hosh nahi hai, unko zara utha dein. Is session ko share kar dein, ek-ek call maar dein, ek-ek message zarur dal dijiye. Letting people know that Pankri Ma'am is live on Akash Baiju's Neat channel and today we are going to study important topics. Apan अभी तक मोनेरा की एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना चुके हैं जिसमें हमने मोनेरा के जनरल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मैं हर सेशन में बोलती हूँ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मोनेरा वायरसेस फंगस ऑल दीज अर्ली मेम्बर्स In the forms of life, if you want to understand class 12th ki genetics and biotechnology. Maine hamesha kaha hai, applications of biotechnology, one of the massive chapters can be understood if you know these guys. हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले monerans के बारे में हम बात कर रहे हैं. हाँ ये हमें दिखते नहीं हैं लेकिन जो नहीं दिखता है वो कभी कभी बड़े बड़े काम कर जाता है. Who knows better then you about viruses and COVID and all of that, okay? So, monerans में भी इस धरती पर जो सबसे पहले आए वो थे आकी बैक्टीरिया. पिछली क्लास में हमने बात करी कि क्यों आकी बैक्टीरिया. मैंने आपको लिखवाया था, आपको मेहनत करवाई थी कि ये चीज़ें लिख लें. थोड़ी सी एनसीईआरटी से बाहर हम जाते हैं कि आकी बैक्टीरिया क्यों ऐसी कंडीशंस में आ पड़ते हैं जिनमें कोई नहीं आता है. और आज ना हम यू बैक्टीरिया के अंडर जो मेंबर्स आते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे. क्लासिफिकेशन तो छोटी मोटी मैं आपको दे ही चुकी हूँ. मॉनरेंस को हम एक्सटेंसिवली क्लासिफाई इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी एक प्रॉपर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती. दे डोंट हैव एनी बॉडी स्ट्रक्चर. इट्स अ सिंगल सेल एंड दैट सेल इज ऑल्सो अ प्रोकैरियोटिक सेल. मेक सेंस टू अस? मंतशा, दीपान्विता, मिलेंद्रा, ध्रुव प्रसाद, संचिता, ज्ञान, संचिता गायन, ज्ञान, वट एवर. अच्छा, पार्डन मी फॉर प्रोनाउंसिंग योर नेम्स रॉन्ग, या बिकॉज यू हैव ब्यूटिफुल नेम्स. हाँ, तो कभी कभी अगर मैं गलत नाम ले दूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं और माफ़ी भी दे सकते हैं. आई एम अ प्रीमियम स्टूडेंट विनीत सिंगल एट आकाश बायजू. ओके, थैंक यू विनीत, थैंक यू सो मच. God bless you. Keep smiling. खुश रहो, कुशल रहो, मंगल रहो, त्रिलोक, दिव्या, सब सही है, सब अच्छा है. स्टार्ट करें. चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले लक्षिता याद रखिएगा कि आकाश बायजूस नीट का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप आपकी जिंदगी में खुशियां ला सकता है. कैसे? एनी सेशन दैट हैपेंस ऑन दिस चैनल, after every session, whatever your teachers have spoken about and the amazing and the best content in the country, everything is available free of cost in the Telegram group. तो हर एक session के बाद, चाहे वो chemistry का session है, botany का session है, zoology का session है, physics का session है, उसके बाद जो notes होते हैं session के वो आपको इस Telegram group में मिलते हैं. अब फटाफट अभी मैम से बात करते हुए मैम का टेलीग्राम चैनल खोलो और तुम ही बता दो कि वहां पर कैसे दिवाली होली मनाई जा रही है. एवरी मॉर्निंग टीम एंड आई आर पोस्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एवरी टॉपिक फॉर बोथ 11th एंड 12th. आज हमने आपसे नोट्स भी शेयर किए हैं, एनसीईआरटी का, ओल्ड एनसीईआरटी का पीडीएफ भी शेयर किया है. And these questions are specifically picked up. कल sexual reproduction के questions हुए थे, आज biological classification के questions हुए. तो join अभी तक नहीं किया है या अपनी class के सारे बच्चों के साथ बेशुमार इस
चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन करें @Pankhuri007. ओके वैष्णवी, गॉड ब्लेस यू. 100% इन बॉटनी इज अ प्रॉमिस. प्लीज स्प्रेड दिस वर्ड वैष्णवी, बिकॉज देर आर सो मेनी किड्स लाइक योर सेल्फ हु आर स्ट्रगलिंग टू गेट गुड मार्क्स इन बॉटनी. ओके सो ये आज की खुराफात जो मेरे चैनल में हुई है, दैट इज दिस. हमने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस शेयर किए, एजर्शन रीजंस शेयर किए, है ना. आपको पीडीएफ सारे नोट्स का मिला हुआ है, तो जरूर इस चैनल को आगे बढ़ाएं और शेयर करें. ये कुछ कमेंट्स हैं जो मैंने पुराने सेशंस में अपने पढ़े हैं. पिछले सेशन में प्रियांशु घोष has commented 21 hours ago. Thank you for this wonderful session, ma'am. It was really amazing. I've never been taught like this. Botany with you is fun and super amazing. Okay? Now, if you feel so, if you genuinely feel so, then please share this with everybody you know. This is the way you can support ma'am. Okay? You can express your love for ma'am. ओके ज्ञानशु सिंगल, वेरी गुड. कोई अगर अभी भी आज क्लास में नया आया है, इस चैनल से अभी अभी जुड़ रहा है, देन दिस इज द इंटायर स्केड्यूल फॉर ऑल द क्लासेस. सोमवार से शुक्रवार, इनफैक्ट संडे तक का स्केड्यूल है आपके सामने. आप देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सारे टीचर्स आपके सामने हैं. आप किसी भी टीचर की क्लास मिस ना करें, तभी आपकी एक कंप्लीट तैयारी होगी. कोई भी क्लास, किसी भी टीचर की क्लास मिस ना करें. पिछली क्लास में, इन द लास्ट क्लास, वी आर गुड विद द चैट बॉक्स. शुभा, थैंक यू सो मच. यानी कि इन तरीकों से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कुछ हद तक हुआ. उसके अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन मैंने आपको पढ़ाया था. कॉन्जुगेशन मैंने आपको डिटेल में डायग्राम की मदद से बताया था. एफ पॉजिटिव, एफ नेगेटिव के बीच में. एफ पॉजिटिव क्योंकि हम प्लाज्मिड्स के बारे में, विच इज़ अ वेरी वेरी पिक्यूलियर फीचर अबाउट मॉडर्न्स, हम पढ़ चुके हैं. जहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन की बात है, मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया है, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट या साल्मोनेला पे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ऑल ऑफ दैट. लेकिन इसको आप काफी डिटेल में पढ़ोगे इन क्लास 12th व्हेन यू स्टडी अबाउट जेनेटिक्स एंड स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी. या देन इन द लास्ट क्लास वी क्लासिफाइड मॉनरेंस इनटू आके. आके माने प्रिमिटिव, आर्कियोलॉजी, इजंट इट. सो आके माने प्रिमिटिव एंड यू माने ट्रू और द मॉडर्न बैक्टीरिया हियर. ऑलराइट, सो आके बैक्टीरिया क्यों ऐसे हैं ये जानना बड़ा जरूरी है. ओके अब उसके बाद ना, जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एज फार एज आर्की बैक्टीरिया आर कंसर्न, दे आर बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक, दोनों तरह से ये पाए जाते हैं. अब एरोबिक और एनएरोबिक में भी एक क्लासिफिकेशन है जो अक्सर आपके सामने टीचर्स बोल जाते हैं, टेक्स्ट बुक स्टडी मटीरियल्स में लिखा होता है, लेकिन अपने को तो आइडिया ही नहीं होता है. ओके सो दीज आर एब्सोल्युटली बेसिक्स. मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे 12th क्लास के एंड तक पहुंच जाते हैं, नीट के एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार समझते हैं, बट व्हेन आई आस्क बेसिक क्वेश्चंस लाइक दीज, व्हाट इज ऑब्लिगेट एनएरोबिक बैक्टीरिया, व्हाट इज फैकल्टी, दे हैव नो क्लू. आज के जमाने में आपको एग्जाम्पल्स नहीं याद करने. जब मैं 11th में थी, टूडे आई एम एबल टू से दिस बिकॉज मुझे अच्छे टीचर्स मिले थे. माई फाउंडेशन, माई बेस इन 11th वॉज सुपर. I was categorically taught what is facultative anaerobic, what is obligate anaerobic with the examples. Okay? तो आज आप सिर्फ ये concept जान लें कि कोई बोले obligate, कोई बोले, ये आपको पूरी bio में काम आएगा. हाँ या ना? So, obligate माने जरूरी, facultative माने non जरूरी. Okay? So, obligate anaerobic मतलब मुझे oxygen नहीं चलेगी, मैं ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं करूंगी. फैकल्टेटिव एनएरोबिक का ये मतलब है कि मैं हूं तो एरोबिक, ऑन एनी गिवन डे मैं ऑक्सीजन में अपना जिंदगी गुजारती हूं, लेकिन अगर आप मुझे ऐसे एनवायरमेंट में रख दोगे
जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो भी मैं सर्वाइव कर लूंगी। तो सोचो, इस तरह से जाहिर सी बात है कि मैं टफ से टफ कंडीशन में जिंदा रह लूंगी। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस बैक्टीरिया आर यूबिकिटस और कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। आखी बैक्टीरिया बेस्ड ऑन वेयर दे आर फाउंड आर ऑफ थ्री टाइप्स मेजरली। आपको एनसीईआरटी के लेवल पे जो क्लासिफिकेशन है वो मैं दिखा रही हूं। आईज ऑन द स्क्रीन, इयर्स ऑन मी, ओके, बी वेरी वेरी फोकस्ड। ज्यादा वक्त तो नहीं मांगती है मैम, हाँ कुछ डेढ़ घंटा दो घंटे का क्लास होता है, थोड़ा सा वक्त मांगती है। उसमें भी कुछ पल मैं आपसे सिर्फ इंटरेक्ट करती हूँ, आपसे बात करती हूँ, आपके डाउट्स लेती हूँ। अगर हम दिन में एक सब्जेक्ट को डेढ़ घंटे का भी अनएडल्ट्रेटेड कंप्लीटली इन्वॉल्व फोकस नहीं दे सकते, देन आई एम सॉरी टू से बेटा, हम खुद को नीट एस्पिरेंट का भी लेबल नहीं दे सकते। रैंकर तो बहुत दूर की बात है। यू डोंट सडनली गेट अप वन डे एंड गेट द बैज और मेडल ऑफ बींग अ रैंकर। इट्स द स्मॉल स्टेप्स दैट यू टेक एवरी डे ऑफ बींग एन एस्पिरेंट, देन यू बिकम, यू अराइव एट दैट पोजिशन ऑफ बिकमिंग अ रैंकर। ओके, सो मेथिनोजेंस, हैलोफिल्स एंड थर्मो एसिडोफिल्स, फिल्स, फाइल्स, फिल्स माने लविंग। ओके, सो मेथिनोजेंस ऑब्लिगेट एनरोबिक होते हैं, ये बिना ऑक्सीजन के ही काम करेंगे। ओके, और कमर्शली आज आप इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, बायो में भी पढ़ते हो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने कमर्शली मेथिनोजेंस को ग्रो किया है, क्यों? क्योंकि हमें कैटल डंग से, दिस इज वन ऑफ द मेजर एप्लीकेशंस, वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। और आज दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफी ज्यादा बढ़ोतरी दी जा रही है, काफी ज्यादा इनकरेज किया जा रहा है। उसके क्या रीजंस हैं, दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर डे। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या फंडा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, कि अपन जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसी को ही हम यूज कर रहे हैं। इट्स, वी आर नॉट टेकिंग एनीथिंग, वी आर नॉट यूजिंग पेस्टिसाइड्स, वी आर नॉट यूजिंग फर्टिलाइजर्स, वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग आर्टिफिशियल। ओके, सो इफ वी हैव द कैटल डंग, गोबर है अगर, तो गोबर में से ही मैं फ्यूल कैसे बना लूं? ओके, सो गोबर गैस और बायोगैस को आप जानते हो, है ना? तो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं ये बैक्टीरिया, बट दे आर ऑब्लिगेट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, which of the following are obligate anaerobes? ठीक है, हर एक स्लाइड पर आपको @pankhari007 दिखाई दे रहा है। दिस इज द कोड फॉर माई टेलीग्राम ग्रुप, फील फ्री टू ज्वाइन। इफ यू विल स्पैम देन यू विल बी ब्लॉक्ड आउट बाय द टीम। ओके, तो ये कोशिश भी मत करना, उसी वक्त बाहर। ऑलराइट, सो कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ फॉर्मिक एसिड कंबाइन्स विद हाइड्रोजन एंड मीथेनोजेंस कन्वर्टेड इनटू मीथेन। मीथेन इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बायोगैस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, इनकी न्यूट्रिशन कैसी हो गई? कीमो ऑटोट्रॉफ्स, मैंने आपको बताया था शुरू में, न्यूट्रिशन का मैंने पूरा चार्ट बताया था कि मैं फोटो ऑटोट्रॉफ भी हो सकती हूँ, यानी कि मैं सनलाइट के साथ मिलकर न्यूट्रिएंट्स बना रही हूँ। मैं कीमो ऑटोट्रॉफ भी हो सकती हूँ, मैं केमिकल्स की हेल्प से भी अपना खाना बना सकती हूँ। सो मेथिनोजेंस आर कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब मेथिनोजेंस, ये क्वेश्चन भी 12th क्लास में भी आता है। ओके, ये 12th क्लास में भी आता है, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज। और एक ये यहां पर भी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ रुमिनेंट्स, अपर पार्ट ऑफ देयर स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नए सिलेबस में डाइजेशन का चैप्टर नहीं है क्लास 11th में, बट आई एम श्योर कि आपको उसके अराउंड पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अभी तक NTA ने कुछ ऐसा नहीं बोला है कि दिस इज द न्यू सिलेबस फॉर नीट, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन तीन जगह आता है। तो कैटल के इंटेस्टाइन में आपको ये मिलता है, इसीलिए
ये लोग घास जो चारा खाते हैं दैट इज रिच इन सेल्यूलोज. अपन सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमारी बॉडी सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकती है. दिस इज अ प्रीवियस ईयर एम्स का एजर्शन रीजन क्वेश्चन ऑल्सो. सचिन सर सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे. सो दीज बैक्टीरिया कैन फर्मेंट द सेल्यूलोज इन साइड देयर इंटेस्टाइन और इसलिए काऊ और बफेलो चारा खा सकते हैं एंड दे प्रोड्यूस द मीथेन गैस. इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद आते हैं हैलोफाइल्स. हैलो माने वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिनिटी. सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है. इस धरती पर नेचुरली देर आर सॉल्ट मार्शेस. सॉल्ट मार्शेस, मार्शेस का मतलब होता है दलदल. हाँ, तो ऐसे एरियाज हैं जिनमें सॉइल इतनी ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन के साथ है कि कोई भी किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म वहां पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एनिमल और प्लांट. लेकिन वहां पे अपने को आकी बैक्टीरिया मिले. ये एरोबिक होते हैं. ओके, ये एरोबिक होते हैं. एग्जाम्पल्स आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, हैलोकोकस एंड हैलो बैक्टीरियम. उसके बाद आपने सुना होगा सम पीपल थिंक दैट दीज हॉट वाटर स्प्रिंग्स कैन क्योर डिजीजेज. लोग उस पानी से नहाने और पता नहीं क्या, मतलब दे रब इट ऑन देयर बॉडी, ऐसे कुछ. पीपल आर सुपरस्टिशियस अबाउट इट. तो बहुत जगह दुनिया में ऐसे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, ओके, जिनमें टेम्परेचर कैन गो अप टू 100 डिग्री. बॉइलिंग वाटर होता है. और कभी कभी यहाँ पे द पीएच इज ऑल्सो वेरी लो. दे आर सल्फर स्प्रिंग्स. सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द पीएच कैन गो अप टू 2 or 3. सो दोज बैक्टीरिया विच लिव इन सच हॉट वाटर सल्फ्यूरिक स्प्रिंग्स, पीपल आर सपोज टू बी थर्मो एसिडोफिल्स. अब बाकी ऑर्गेनिज्म तो जी नहीं सकते. सो दोज आर थर्मो एसिडोफिल्स. इनके पास ड्यूअल पावर है. मैं हाई टेम्परेचर भी सह सकती हूं और मैं हाई लो पीएच भी सह सकती हूं, और इन अदर वर्ड्स हाई एसिडिटी भी सह सकती हूं. एग्जाम्पल्स आज के जमाने में ऑनेस्टली नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल थर्मोप्लाज्मा एंड थर्मो, यू कैन स्किप द एग्जाम्पल्स. चलिए, तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर से आया है. आई वॉन्ट आंसर्स इन द चैट बॉक्स. एवरीबडी फटाफट मुझे आंसर्स दीजिए. और मैम ये भी देख सकती हैं विद द हेल्प ऑफ हर सुपर पावर्स कि किस किस ने सेशन को शेयर कर दिया है अपने दोस्तों के साथ. तो जितने भी बच्चे बोल रहे हैं मैम वी लव यू, मैम ला ला ला, वी रियली लव बॉटनी, आई कैन सी. संचिता इज गिवन द आंसर. सौम्य ज्योति, आकाश बेटा यू हैव मिस सम क्लासेस, प्लीज ज्वाइन ऑल द क्लासेस, दिस हैज बीन टॉट ऑलरेडी, प्लीज डोंट स्पैम द चैट बॉक्स. खामखा आपको टीम दरखास्त कर देगी क्लास से, इट्स नॉट गुड. चलिए, थर्मोकोकस एंड हैलो बैक्टीरियम अभी अभी हमने बात की है. दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स. क्या ये बात सही है? कैनॉट लिव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन. हैव ATS राइबोसोम. लैक पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल. सो मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड इट वेरी क्विकली. वन ऑफ द रीजन्स, मैंने ना ये रीजन तो NCERT में दिया हुआ है. यूजली लोग ये पढ़ाते हैं कि वाई आकी बैक्टीरिया आर सो ऑसम एंड दे कुड एग्जिस्ट इन सच कंडीशंस एंड यू बैक्टीरिया कैन नॉट, एंड एवरीबडी सेज ला 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 द सेल वॉल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, देयर इज नो पेप्टिडोग्लाइकन. देन आई टोल्ड यू समथिंग डिफरेंट इन द लास्ट क्लास वेयर इन आई टॉक्ड अबाउट द राइबोसोमल RNA. विच राइबोसोमल RNA वॉज आई टॉकिंग अबाउट? आंसर्स इन द चैट बॉक्स. पीपल हु आर रेगुलर टू द क्लासेस विल बी एबल टू आंसर दैट. है ना? तो अगर किसी सब्जेक्ट की तैयारी करनी है यू शुड बी वेरी वेरी रेगुलर. अब हम आते हैं आज के बैक्टीरिया के बारे में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलियंस एंड मिलियंस आर प्रेजेंट, या एंड दे आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया. ओके, तो इसके बारे में, ट्रू बैक्टीरिया के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, है ना, कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, एवरीथिंग. अब यू बैक्टीरिया में जो पहला ग्रुप है ना, विच आर कॉल्ड एज ऑक्सीजेनिक यू बैक्टीरिया, ऑक्सीजेनिक यू बैक्टीरिया,
they are called as blue-green algae or cyanobacteria. Blue-green algae or cyanobacteria. Blue color के लिए अक्सर वर्ड यूज होता है साइनिन, बिकॉज जो साइनिन पिगमेंट है एंथोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, दीज आर कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट्स एंड कॉपर इम्पार्ट्स ब्लू कलर. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई सिंस दीज एल्गी आर नॉट ग्रीन इन कलर एज यू सी प्लांट्स, दे आर ब्लूइश ग्रीन इन कलर. ऑलराइट, एंड दे वर द फर्स्ट ऑक्सीजेनिक organisms on the planet. कहा जाता है कि owing to cyanobacteria or blue-green algae, life started appearing. The aerobic forms of life started appearing. और तब complex form of animal kingdom और plant kingdom आई, क्योंकि हमारे atmosphere से में उससे पहले जो gases थी, carbon monoxide, sulfur dioxide, carbon dioxide, उसमें अपन तो आने से रहे. अपन क्या, कोई lower forms of life, vertebrates, invertebrates, algae, bryophytes, ये सब कैसे आते. सो शी इज द वन हु इज एट्रीब्यूटेड टू प्रोड्यूसिंग, टू गिविंग ऑक्सीजन विच इज अवर लाइफ फोर्स टुडे. आई बात समझ में? सो दे आर द फर्स्ट ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया. बैक्टीरिया माने इट इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. इट इज अ, इसका जो स्ट्रक्चर है, अच्छा कई समय तक ना लोगों को कंफ्यूजन हुई, भाई इसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली बैक्टीरिया जैसा नहीं है, बट बेचारी ठहरी प्रोकैरियोटिक. इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड तो ऑर्गेनल्स है नहीं, अपने साइटोप्लाज्म में लेके बैठी हुई है 70S राइबोसोम. फिर लोगों ने सोचा कि यार ये फोटोसिंथेसिस भी करिए, करें क्या इसको, प्लांट किंगडम में रखें कहाँ रखें. बट ओइंग टू इट्स प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर, she was kept in Monera. All right, so it is a prokaryotic cell, and that is why you see bacteria in the name. All right, and why do you see cyano? Because it is bluish green in color. And why it is bluish green in color? Because apart from chlorophyll A, you know what chlorophyll A jiske andar hai, वो बेशुमार अमेजिंग वाला फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता रखता है. क्लोरोफिल ए इज द मैजिकल पिगमेंट. जो बड़े बच्चे हैं वो तो यहां तक भी जानते हैं कि फोटोसिस्टम्स का जो सेंट्रल या चीफ मॉलिक्यूल है वो क्लोरोफिल ए है. इट इज कॉल्ड प्राइमरी पिगमेंट नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. बाबा क्लोरोफिल ए इज डूइंग एवरीथिंग. इफ आई टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस, इट इज क्लोरोफिल ए विच इंट्रैक्ट्स डायरेक्टली विद द सनलाइट. Isn't it? खैर, जो बच्चे छोटे हैं और जो फोटोसिंथेसिस की तकनीकियां नहीं जानते हैं, टेक्निकलिटीज नहीं जानते हैं, उनके लिए अभी मैं चुप रहूंगी. ऑलराइट, बट क्लोरोफिल ए है इसके पास, और साथ साथ इसके पास फाइकोबिलिन्स हैं. फाइकोबिलिन्स हैं. फाइकोबिलिन आर अ ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स. ये मात्र एक पिगमेंट नहीं है. दीज आर एक्सेसरी पिगमेंट्स, या दे कैन बी फाइकोसाइनिन. फाइकोसाइनिन, आपने अभी तक कैरेटिनॉइड्स के बारे में सुना होगा, राइट? और दे कैन बी फाइकोरिथ्रिन, है ना, फाइकोरिथ्रिन. तो ये एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं. ये थोड़ी बहुत सनलाइट कैप्चर करते हैं कुछ कुछ वेवलेंथ में, और लाकर प्राइमरी पिगमेंट को दे देते हैं. इज दैट क्लियर एवरीबडी? इज दैट क्लियर एवरीबडी? नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन मैम टॉट यू द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, सो शी सेड दैट यू नो व्हाट, इफ द बैक्टीरिया इज फोटोसिंथेटिक, इफ द बैक्टीरिया इज फोटोसिंथेटिक, नॉट ऑलवेज, इफ द बैक्टीरिया इज फोटोसिंथेटिक, देन दिस बैक्टीरिया विद इन इट्स साइटोप्लाज्म इज गोइंग टू हैव स्पेशल बॉडीज कॉल्ड एज, इसको हम क्या करेंगे, सब पॉइंट्स बना देते हैं और एक और पॉइंट यहां पर लिख, दे आर गोइंग टू हैव क्रोमैटोफोर्स. Chromatophores are simply the bodies which contain the pigments for photosynthesis. Okay? तो अपन ने ये पाया कि cyanobacteria के अंदर the entire matrix is divided, the cytoplasm is divided into two major parts.
ओके तो अब साइनोबैक्टीरिया में क्या हुआ, नॉट एग्जैक्टली क्रोमैटोफोर्स बट द साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू, साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, सेंट्रोप्लाज्म यानी कि जो इसके मध्य में इसके सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा दैट इज सेंट्रोप्लाज्म. All right, वहां पे कोई पिगमेंट्स नहीं है. दैट इज नॉट गोइंग टू हैव कलर. दैट इज गोइंग टू हैव द न्यूट्रिएंट्स. दैट इज गोइंग टू हैव द एंजाइम्स. दैट इज गोइंग टू हैव परहैप्स इट्स जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. या वी हैव स्पोकन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट. सो इट इज गोइंग टू हैव द राइबोसोम्स. या बट नॉट एनीथिंग टू डू विथ फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स. और दूसरा पेरीफ्री पे, सेल के पेरीफ्री पे जो पार्ट है दैट इज क्रोमोप्लाज्म. ओके और इस क्रोमोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं. इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? हा सबको, सबको ये बात सारी की सारी क्लियर है? अच्छा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहां पे, एक थोड़ा सा यहां पे प्रॉब्लम है. अपन ने बोला जिंदगी के अंदर कि यार हो ना हो, अपनी ही क्लास मेरे को चलती हुई दिखाई दे रही है. हाँ अपन ने बोला हो ना हो मोनेरा में जो भी होगा वो एक सिंगल सेल होगा. अपन ने ये शर्त रखी कि आर एच विटेकर अंकल से पहले लोगों ने बड़ी मेहनत की और बोला कि ठीक है एक किंगडम जिसमें प्रिमिटिव सेल आएगा प्रोकैरियोटिक एक सिंगल सेल आएगा उसको अपन आज से मोनेरा बोलेंगे. उसका हैप्पी बर्थडे किया, ठीक है. उसके बाद यूकैरियोटिक सिंगल सेल का हैप्पी बर्थडे किया, उसको बोला प्रोटिस्टा. लेकिन 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 साइनोबैक्टीरिया इज दैट फॉर्म ऑफ यू बैक्टीरिया विच कैन अपीयर टू बी मल्टी सेलुलर. लिसन टू माई वर्ड्स केयरफुली. सो यू जस्ट सी मैम टीचिंग यू. Alright, but the concepts are somewhat, you know, downloading from somewhere else. ये बहुत सालों की मेहनत होती है, बहुत सालों की पढ़ाने की मेहनत होती है, बहुत सारे बैचेस में पढ़ाने की मेहनत होती है, खुद पढ़ाई करने की मेहनत होती है. मैं आपको बताना चाहूंगी कोई भी टीचर जो यहाँ पे आकर आपको पढ़ा रहे हैं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर सकती. ओके एंड आई एम सो प्राउड of working with all such teachers. घंटों की मेहनत और preparation के बाद एक class और एक concept आपको पढ़ाया जाता है. So when teachers are talking, you know, every word, they are putting all their senses into telling you each and every concept. Alright? So it is amalgamation of hours and days and years of effort on the ground, off the ground, in the lights, off the lights, whatever. So then this class is possible. तो एक एक word बड़ा important होता है. What did I say? I said it appears to be multicellular. तो कभी कभी कुछ authors क्या लिखते हैं that cyanobacteria are unicellular or multicellular. ध्यान से सुनना मैम की बात. किताबों में इल्वा not there, not there. Okay, so when I say that it is multicellular and it appears to be multicellular, what is exactly happening is, वो जो एक single cell है ना, मैंने अपना promise नहीं तोड़ा है कि monera में primitive prokaryotic single cell होगा. उसने साथ में रहने का, सांझा करने का एक निर्णय ले लिया है. They have decided to live together as a colony or in the form of many threads attached together. Called as the filamentous form. तो filamentous form में हुआ दरअसल ये है कि एक सेल ने अपने आप को एक लंबा फिलामेंट बना लिया है, यानी कि धागा मिला लिया. बहुत सारे धागे कनेक्ट हो गए, तो है तो वो सिंगल सेल ही ना. सडनली उसके पास कैपेबिलिटी नहीं आ गई है कि वो अपनी ऑर्गेनाइज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही चेंज कर ले. ना 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 ना. So when somebody is writing multicellular, they're doing a mistake of not writing appears to be multicellular. Is that clear? Usually आपको ये fresh water में मिलेंगी, यानी कि ponds और lakes में मिलेंगी. कभी कभी आपको marine में मिलेगी. Terrestrially
साइनोबैक्टीरिया तभी ग्रो करेगी जब उसको कोई सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलेगा, जैसे कि लाइकन में. यूजुअली साइनोबैक्टीरिया दोस्ती कर लेती है हर तरह के ऑर्गेनिज्म में. सबसे ज्यादा फ्रेंडली इंसान अगर कोई है हमारी किंगडम्स में तो वो साइनोबैक्टीरिया है. ये प्रोटिस्टा के साथ भी रह लेती है, ये एल्गी के साथ भी रह लेती है, ये जिम्नोब्रायोफर्न्स. अच्छा, जो बड़े लोग हैं जो पढ़ चुके हैं वो जानते हैं मैम क्या कह रही हैं. एनाबीना इज़ोले या जिम्नोस्पर्म्स में मैंडेटरी ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म, लाइकन्स. या यू विल गेट टू स्टडी ऑल दिस. सो साइनोबैक्टीरिया आर द एक्सिलेंट सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स. ऑलराइट. अच्छा, यूजुअली दुनिया में जब सिम्बायसिस होता है ना तो सबके बेस्ट फ्रेंड्स मार्क्ड होते हैं. मेरी दोस्ती इसी के साथ है, मेरा सिम्बायोटिक रिश्ता इसी के साथ है. बट लाइक आई सेड, साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज. ओके, विद मी ऑन दैट. दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज. पल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये सडनली बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर जाती हैं, सर्विंग एज इंडिकेटर्स ऑफ पल्यूशन. इज दैट क्लियर? अच्छा, इसको कॉमनली एल्गल ब्लूम बोला जाता है बट वो सही नहीं है, क्योंकि एल्गल ब्लूम इज अ जेनेरिक टर्म जिसमें आपकी नॉर्मल जो यूकैरियोटिक एल्गी है, प्लांट किंगडम की मेंबर है, वो भी ग्रो कर सकती है. 12वीं कक्षा में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, यूट्रोफिकेशन. किस्मत अच्छी हुई तो मैं ही पढ़ा दूंगी. यूट्रोफिकेशन माने कैसे ओवर द इयर्स, इट्स कॉल्ड एजिंग ऑफ लेक. हाँ, तो 50-100 साल में एक लेक, एक वाटर बॉडी बिकम्स अ पीस ऑफ लैंड. क्यों? एल्गल ब्लूम, साइनोबैक्टीरिया इतना ग्रो करती है कि जीने ही नहीं देती किसी और को. इज दैट क्लियर पीपल? तो यहां तक आप जरूर याद रखें. एक और चीज याद रखें कि बैक्टीरिया में मैम ने ना काफी डिटेल में फ्लैजिला के बारे में पढ़ाया था. फ्लैजिला इज द मेजर प्राइमरी लोकोमोटरी ऑर्गन, द ओनली लोकोमोटरी ऑर्गन इन मोनरिंस. दे डोंट हैव सीलिया. दिस इज अ यूजुअल मिस्टेक. दे डोंट हैव सीलिया. ओके, दे डोंट हैव सीलिया. पिलाई एंड फिम्ब्रे आर नॉट लोकोमोटरी ऑर्गन्स. दे आर अटैचमेंट ऑर्गन्स और कॉन्जुगेटरी स्ट्रक्चर्स. साइनोबैक्टीरिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, लैक फ्लैजिला इन लाइफ साइकिल. छोटा, बड़ा, बच्चा, बूढ़ा, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ला ला ला, नो, नथिंग हैपनिंग इफ दे नीड एनी अटैचमेंट और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर. व्हाट वी हैव सीन इज स्ट्रक्चर्स लाइक ट्राइकोम्स ऑन देयर सर्फेस. ओके, एंड देयर बॉडी is definitely covered by a mucilaginous sheath made up of mucopeptides. Kuch cyanobacteria, not all. Ladies and gentlemen, very very important to note. Most of the cyanobacteria or all cyanobacteria are oxygenic. They will perform oxygenic photosynthesis. Okay? But not all will do the nitrogen fixation. सबके पास वो क्षमता नहीं है कि उनके पास nitrogenase enzyme is the primary or the chief enzyme for nitrogen fixation. अब ये enzyme भगवान ने सबको नहीं दिया. Is that clear to everybody? कुछ जैसे कि नॉस्टॉक एंड एनाबीना, ये दो कॉमन ब्लू ग्रीन एल्गी हैं. दे लिव इन एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद हायर प्लांट्स. इनको बल्कि राइस फील्ड्स में डाला जाता है. हाँ, मैं बता रही थी ना, एनाबीना इज़ोले,
Azolla is a aquatic fern. Aquatic fern. किसके साथ रहता है? एनाबीना. उसका नाम ही हमने इसलिए रख दिया क्योंकि ये बिल्कुल दोस्ती में रहते हैं. इस रिश्ते को, इस दोस्ती को, इस कॉम्बिनेशन को एजोला लिविंग विद उसकी पार्टनर एनाबीना एजोले इज पुट इन राइस फील्ड्स कमर्शियली. काहे? अब आ जाते हैं वापस अपने कॉन्सेप्ट पर. आपने बचपन से राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है. 9th क्लास में, 10th क्लास में राइजोबियम बैक्टीरिया लिव्स इन लेग्यूमिनस प्लांट्स की टैप रूट्स, है ना? टैप रूट्स भी नहीं पता है, इतना तो पढ़ा है रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, इसीलिए पल्सेस खाने चाहिए, बीन्स खाने चाहिए, ला ला ला, ऑल ऑफ दैट स्टोरी. यूजुअली ये रिश्ता मंडरा रहा है अराउंड नाइट्रोजन फिक्सेशन. काहे? आप, हम प्लांट्स, हमारे पास एक क्षमता ही नहीं है कि हम एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एग्जिस्ट लाइक दिस ट्रिपल बॉन्ड, इसको फिक्स कर सकें और अपनी बॉडी में यूटिलाइज कर सकें. नाइट्रोजन में क्यों यूटिलाइज करूंगी? एमिनो एसिड्स बनाने के लिए. एमिनो एसिड्स क्यों बनाऊंगी? प्रोटीन्स बनाने के लिए. तो इसलिए हमारे पास हमेशा कमी रह जाती है एमिनो एसिड्स या प्रोटीन्स की, एंड दे आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी साइटोस्केलेटन. सो ऑर्गेनिजम्स ट्राई टू मेंटेन और बिल्ड अ रिलेशनशिप विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, एंड एन ऑर्गेनिज्म विल बी एबल टू फिक्स दिस गैस एंड कन्वर्ट इट इंटू एमोनियम कंपाउंड्स. एमोनियम कंपाउंड्स ओनली इफ इट हैज द एंजाइम नाइट्रोजनेज. नाउ पीपल, अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मुझे ही देनी पड़ेगी वो ये है कि ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है इसका एक प्रॉब्लम है. सुनो ध्यान से, अगर इस एंजाइम को ऑक्सीजन कहीं दिख भी गई तो ये जल जाएगा, ये काम नहीं करेगा. तो इस एंजाइम को हमें ऑक्सीजन से बचाने के लिए या एनएरोबिक कंडीशन में रखने के लिए इन दोनों बहनों में, नॉस्टोक और एनाबीना में, एक स्पेशल सेल या बॉडी क्रिएट करनी पड़ी. ओनली इन साइनोबैक्टीरिया विच आर इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन देर आर स्पेशल बॉडीज कॉल्ड एज, एनसीईआरटी ने मार्क किया है बशर्तिया, हेटरो योर हीटरोसिस्ट. हीटरोसिस्ट के अंदर इट इज वेरी वेरी थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड. इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा, देयर इज नथिंग, इट इज जस्ट अ बॉक्स इन विच आई हैव प्रोटेक्टेड नाइट्रोजिनेज एंजाइम फ्रॉम ऑक्सीजन. इतनी थिक वॉल्स होती हैं कि ऑक्सीजन अंदर घुस ही नहीं पाती है. इज दैट क्लियर? तो हीटरोसिस्ट जो एनसीआरटी में है ये काफी, ये देखो हीटरोसिस्ट आपको एनिमेशन के थ्रू भी दिखाया है. हीटरोसिस्ट इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑल साइनोबैक्टीरिया, याद रख लेना, ये अक्सर लोग गलती करते हैं. और दे विल बी सराउंडेड बाय अ म्यूसिलेजिनस शीथ. ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा? हीटरोसिस्ट में आपके कोई पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट समथिंग कॉल्ड एज फोटोसिस्टम 1. जो बड़े लोग हैं वो जानते हैं कि क्लोरोफिल इज पैक्ड इनटू PS2 एंड PS1. या तो वो जो क्रोमोप्लाज्म था ना इसका, जो ये वाली है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वाली साइनोबैक्टीरिया, उसमें PS2 PS1 दोनों काम कर रहे हैं लाइक हायर प्लांट्स. लेकिन हीटरोसिस्ट में सिर्फ PS1 है. क्यों? सो दैट एटीपी फॉर्मेशन हैपेंस, बिकॉज इवन फॉर नाइट्रोजनेज एंजाइम टू वर्क टू फिक्स नाइट्रोजन आई नीड एनर्जी एंड दैट इज एटीपी.
इज दैट क्लियर? ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम माई नोट्स आर विद यू. कुछ भी मैंने अपने पास नहीं रखा है. एवरीथिंग दैट आई हैड टू टेल यू. नाउ यू कैन सॉल्व एम्स लेवल क्वेश्चंस इफ यू आर वॉचिंग दिस क्लास. मोटा मोटा आपको सारा विद इन एनसीईआरटी आउटसाइड एनसीईआरटी मैं बता चुकी हूँ. शिवा सर इज बैक ऑन द स्टेज. यो, डिड यू हैव लंच नाइसली? जल्दी में नहीं खाने का यार. You had fast na? बोला था मैंने कोई फायदा नहीं है. पीपल व्हाट डू यू थिंक, शुड शिवा सर हैव लंच इन हरी? और बिकॉज ही इज सो कंसर्न अबाउट योर क्लास सो ही ऑलवेज हैज हिज लंच इन हरी. नॉट कूल यार, डांटो थोड़ा सा. तुम लोग डांटोगे तो मे बी ही लिसन. ऑल राइट, रेड सी के बारे में बाद में बताएंगे आपको व्हेन आई एम डन विद प्रोटेस्टा. चलिए लेट्स सी द चैट बॉक्स. यू आर हियर, आई वाइडेड आई पिक अप द फोन. लेट्स सी द चैट बॉक्स. हाँ जी, ऑल गुड, सब कुशल है, मंगल है. खाने को प्यार से खाइए इट सीम्स. प्रियांशु इज लाइक जूही ऑफ आवर क्लास नाउ. यू रिमेम्बर जूही? या, शी इज गोइंग टू गेट सिलेक्टेड दिस ईयर. देखते हैं प्रियांशु का भी ऐसे. हर देवी भैया, हैव लंच प्रॉपरली एंड स्लोली. व्हाट आर यू डूइंग भैया? हेलो शिवा सर, ही हैज टू टेक लंच एट टाइम. प्रिया इज ऑर्डरिंग यू, यू हैव टू टेक लंच एट टाइम. ओके, भव्य राठौर. चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. AFMC के लिए कितना स्कोर एम करें? वेरी गुड क्वेश्चन, नॉट गिवन ऑन गूगल. सौम्य ज्योति ने बहुत ही प्यारा डाउट पूछा है. मजा आ गया भाई, मेरा लंच तो हो गया. वेल माई डियरेस्ट, गॉड ब्लेस यू फॉर आस्किंग सच अ डाउट. ओ माई गुडनेस, यू मेड मी हैप्पी. दे हैव थायलाकॉइड्स ना बच्चा? फोटो सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड होता है? जब तू बड़ा हो जाएगा तो तू पढ़ेगा कि फोटो सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड होता है. थायलाकॉइड मेम्ब्रेन पर. सो दे डू हैव. आई एम नॉट टेलिंग थायलाकॉइड्स एंड फोटो सिस्टम्स व्हाई, बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु हैव नॉट स्टडीड फोटोसिंथेसिस, बट दे डू हैव थायलाकॉइड्स. ओके, आर वी क्लियर? चलिए, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. अगर आप चाह रहे हो कि मैम शाबाशी देंगी, देती हैं मैम शाबाशी, ऐसा नहीं है. चलिए आगे चलते हैं. यू बैक्टीरिया में अपन ने उन लोगों की बात कर ली जो अपना खाना खुद बनाते हैं. लेकिन जनता, ध्यान से सुन लेना मैम की बात. जिंदगी में, एवरीडे लाइफ में, आपके और मेरे आसपास जो बैक्टीरिया है वो यूजुअली कौन है? जो ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ना, दे आर फाउंड मोस्टली इन वाटर बॉडीज. दे आर एक्वेरिक. चमकी ये बात. तो यूजुअली हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने को हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मिलते हैं. कूल विद मी? अब ये हीटरोट्रॉफिज्म मैंने आपको पहली क्लास से बायोलॉजी के, मैं बॉटनी जूलॉजी की बात नहीं कर रही, बायोलॉजी के फंडे क्लियर करने की दरखास्त की है. ठीक है, हमेशा मैंने कहा है जिसके बेसिक्स क्लियर हैं वो अपने आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स कर लेते हैं. हीटरोट्रॉफिज्म इज अ क्यूमुलेटिव टर्म फॉर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, फॉर पैरासिटिक न्यूट्रिशन. हीटरोट्रॉफिज्म में अपन होलोफाइटिक होलोजोइक न्यूट्रिशंस की भी बात करते हैं. अब अगर मैं बैक्टीरिया के हीटरोट्रॉफिज्म की बात करूं, ओके, तो वो पैरासिटिक, अगेन कमिंग टू द एवरीडे लाइफ, वो पैरासिटिक भी मिला और डीकम्पोजर भी मिला. वो पैरासिटिक भी मिला और डीकम्पोजर भी मिला और केमिकल्स कंज्यूम करता हुआ भी मिला. ठीक है, उसको हम कीमो ऑटोट्रॉफिक में रख देते हैं. राइट, तो अब कुछ बैक्टीरिया मेरे आसपास यूजफुल है और कुछ बहुत हार्मफुल है. कुछ यूजफुल है और कुछ बहुत हार्मफुल है. बट दिस इज व्हाट आई वांट यू टू रिमेम्बर फॉर योर गुड, दैट हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया इन द नेचर. Is it clear?
और मैंने आपको ये बताया था, जिसने मेरे साथ इकोलॉजी पढ़ी है, हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के डिफरेंट लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर, ऑल ऑफ दैट, डीकम्पोजर्स नेवर फाइंड अ प्लेस इन एनी फूड चेन. मैंने आपको बताया था फंगस और बैक्टीरिया हमारे प्लैनेट के क्लीनर्स हैं. अगर ये नहीं होंगे तो हमारे रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी. द प्लैनेट विल बी फुल ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो मेजॉरिटी ऑफ दीज हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर डीकम्पोजर्स और रिड्यूसर्स ऑफ द प्लैनेट. ओके, यूजफुल बैक्टीरिया जो आप दही जमाते हो, चीज बनाते हो, राइजोबियम हमारा भाई साहब जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, दीज आर ऑल वॉट हीट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया. इसके अलावा जो हार्मफुल है, क्लोस्ट्रीडियम, टेटनाए, सैल्मोनेला, टाइफी, बैसिलस एंथ्रासिस, दीज आर ऑल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया. प्लांट्स और जैसे सिट्रस कैंकर है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में बैक्टीरिया बहुत डिजीजेस करते हैं. ज़ैंथोमोनास कॉजेज सिट्रस कैंकर. फंगस भी बहुत सारे डिजीजेस करती है प्लांट्स में, जो हम किंगडम माइकोटा में डिटेल में पढ़ेंगे. मैम, व्हेन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश मुझे ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड होता है. काश मैम एक रोबोट होती, शिवा सर आते, बटन ऑन करते इंग्लिश, उस बटन पे लिखा होता इंग्लिश, फिर ऑफ कर देते, फिर शिवा सर आते, फिर एक बटन ऑन करते हिंदी, तो मैम हिंदी में बोलने लग जाती. प्रॉब्लम ये मैम इंसान है, बहुत ज्यादा दुख की बात है ये, है ना. तो अब इंसान तो फिर भी मेरी क्लासेस बायलिंगुअल होती हैं, फिर भी दिल बड़ा है मेरा, तो मैं दोनों बच्चों का ध्यान रखती हूँ एंड आई टीच बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी. तो भी कभी भी तुम लोगों ने ये नहीं कहा मैम वी आर वेरी हैप्पी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट पीपल टू पुट देयर रियल नेम्स इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज आई कांट टॉक टू यू. यार मेरी भी प्रॉब्लम समझो ना, आई वॉन्ट टू सी ओनली रियल नेम्स इन द चैट बॉक्स, अदरवाइज आई एम नॉट गोना टॉक टू यू, आई एम नॉट गोना एड्रेस यू. हाउएवर आई एडोर ऑल ऑफ यू. या आप मुझे कितने भी नाउ यू मेड मी कॉन्शियस ऑफ हिंदी, आई एम नॉट फाइंडिंग वर्ड्स नाउ, ऑल बिकॉज ऑफ यू. अच्छा, आपका नाम ही एंजल है, वेरी गुड. एंजल गोयल बेटा, सो गुड टू हैव यू इन द क्लास. आई वॉन्ट टू सी यू रेगुलरली, यू आर डूइंग ग्रेट, कीप स्माइलिंग एंड देयर इज नथिंग टू वरी. वैष्णवी, वेरी गुड. आशु यादव, इट टेक्स अ गुड स्टूडेंट टू स्पॉट अ गुड टीचर, सो पैट ऑन योर बैक. प्रेरणा, गॉड ब्लेस यू डार्लिंग. मिलेंद्र, तुम तो भाई सुपर स्टार हो, टेंशन काहे लेते हो. हाँ चलिए आगे बढ़ लेते हैं जिंदगी के अंदर. तो भाई अब आ जाता है मेरा फेवरेट ऑर्गेनिज्म, हो गया साइनो. पता है तुम्हें, किसी जमाने में मेरा फेवरेट साइनो बैक्टीरिया हुआ करता था. बात है ये सन 2019 की, कोई एक बैच था, रात के कुछ 10-11 बज रहे थे एंड I still remember, I told them, you know, cyanobacteria is my favorite organism. Yeah? And nostoc and anabina is the favorite term I have. And they kept, you know, that batch kept my name as anabina ma'am. That's how much I loved cyanobacteria. But today I realized, you know, I was speaking to the team and we were having a cup of coffee and we were discussing about, you know, I was telling... One day you're going to meet Baswa sir, Anu ma'am, the entire team. Shiva sir should come live in front of the camera. I was like, you know what? Mycoplasma is really, really amazing. And it has the potential to affect human race in many ways. And I don't feel it's going to be a good way. Sorry to say that. I'm the bearer of the bad news. But in the past 10 years, you know, I have seen, 5 to 10 years, I have seen that
these microorganisms have this superpower owing to their such a simplified structure, yeah, to mutate and become something that can rule us, that can overpower our entire knowledge and facility of medicine. You with me on that? So we come to mycoplasma. Now, boys and girls, under you bacteria ki to baat hi nahi hai. Haan, ye you bacteria ke under aata hai. Kyunki iska structure thoda bahut bacteria jaisa hai. Okay, I had something about it in my notes. It's called bacteria without the three coats. Bacteria without the coat, something like that we used to call it. You know what? Mycoplasma is a eubacteria without the cell wall. और इस अकेली लाइन और कॉन्सेप्ट से बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन देकर बोर कर रहा है. सो ये आप आज बांध लें कि नींद में भी याद रहे. अब बच्चा लोग, बात दरअसल ये है, मैं अपनी जो प्रेडिक्शन की बात कर रही थी, हमारी जो मेडिसिन है ना, अपने पास हमारी जो पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, या मेडिकल कॉलेज में आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, ओह माय गॉड, व्हाट एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. सो मेडिसिन, फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी मेडिसिन दैट यू टेक एवर एंड एवर इज टू अटैक द वॉल. व्हेन आई डिसरप्ट द वॉल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इट इज almost impossible for the organism to survive. Kahe? My body now has access to the most useful component of that organism. Meri body mein bhi to fighting cells hai na, meri body mein bhi to antibodies hai na, meri immunity kaun sa weak hai. Wall is the only protection I have na baba. Darwaza, only darwaza I have. Is bhai sahab ke paas wall nahi hai aur ye zinda hai. तो इसके अगेंस्ट मेडिसिन काम नहीं कर पाती. ओके, सो दिस इज अ वॉललेस यू बैक्टीरिया नंबर वन. इट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट. साइज शुरू होता है 0.1 to 0.3 माइक्रॉन्स तक. ओके, इट पासिस थ्रू बैक्टीरियोलॉजिकल. ये देखो, ये लिखा हुआ था माइक्रोप्लाज्मा और ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल. सो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, आई जस्ट कांट रीड बुक्स एंड टीच यू. वॉट एवर इज इन माई हेड दैट जस्ट कम्स आउट. तो इसका एक फायदा है, अगर आप जिंदगी में इस तरह से नोट्स बनाना सीख जाओगे, दैट योर नोट्स, यू आर द ऑथर ऑफ योर ओन नोट्स, ट्रस्ट मी, ट्राई दिस, यू विल बिकम द मास्टर ऑफ दैट सब्जेक्ट रादर देन व्हाट 99% ऑफ अस डू. ओपन द बुक, ओपन द बुक, अरे इसमें क्या लिखा, इसमें मैम के नोट्स, अरे अरे कॉपी पेस्ट, दैट्स नॉट दैट इफेक्टिव. आई एम नॉट सेइंग दैट डजंट वर्क, आई एम नॉट सेइंग कि कंप्लीटली रूल्ड आउट है, दिस वर्क्स बेटर. ओके, सो पासेस थ्रू बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स. ओ माय गुडनेस, तो बहुत समय तक इसको बैक्टीरिया भी नहीं माना जाता था. बट द प्रॉब्लम इज, इसके पास सेल वॉल है, इसके साइटोप्लाज्म में सब कुछ बैक्टीरिया जैसा है, इसके पास ऑर्गेनल्स नहीं है, सारा प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है. नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, यू नो व्हाई आई थिंक कि ये आने वाले टाइम में कुछ तूफानी करने वाला है? इसके पास दोनों आरएनए और डीएनए है, समझ रहे हो बात? ऑफ कोर्स डीएनए है, न्यूक्लियोइड, जेनेटिक मटेरियल, लाला, ऑल ऑफ दैट एग्जिस्ट, बट इसके पास आरएनए भी है. इसके पास पूरी शक्ति है कि ये बैठे बैठे इनको म्यूटेट करवाए और कुछ ऐसा बन जाए which can kill masses. It was detected from the plural. Aaj ke baad bio ki class mein plural leads to, I mean,
signifies lungs or the respiratory system. The lining or the wall of the lungs is called pleura. So pleural fluid of cattle. Cattle माने गाय, भैंस, बकरी. बकरी में cattle mainly गाय भैंस. But it has already infected dogs, sheep, cattle and plants as well. Potato and brinjal being the common ones. Humans की अगर बात करूं, not anything major, little bit here and there, yes, it has been detected. Okay, now boys and girls, this is called as pneumonia like symptom I organism mein, this is called as PPLO. Pleuro माने plural fluid से निकला, pneumonia like organism. Respiratory symptoms. और अभी तक इस संसार में, कलयुग में, जब भी बहुत सारे लोगों की जान गई है, वो respiratory organisms थे. मैम आप तो डरा रहे हो इतना ज्यादा. मैम हम तो डरे पड़े हैं. डरने की जरूरत नहीं है, this is the course of life यार. की फर्क पैंदा है ना, साइड हो जाओ. ठीक है भाई, साइड हो जाते. शिवा इज समबडी स्पैमिंग द चैट बॉक्स. आई एम गेटिंग कंप्लेंट्स फ्रॉम दिव्या मिश्रा. यू ब्लॉक्ड हिम. सी तुम कितने अच्छे हो, कितने भोले हो. यार मेरे को पंजाबी नहीं आती यार, कोई गल नहीं आंदी मैनू. उत्कर्ष वॉज स्पैमिंग, ही हैज बीन ब्लॉक्ड. और कुछ तो बस ठीक ठीक लगा लो यार. थ्री लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन, लाला साइटोप्लाज्म, सॉल्युबल आरएनए, राइबोसोम्स हैं इसके पास. काफी अमीर इंसान है ये. बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर्स से ये निकल पाया ना, दैट इज अ वेरी बैड साइन. क्योंकि इसका साइज नॉर्मल बैक्टीरिया से छोटा था. अच्छा अब मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ. याद करना हो तो ठीक है, ना करना हो तो भी जय हनुमान. स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट अगर कोई पूछेगा एग्जामिनर, तो यूजली आजकल जो जमाना है ना यार, ये जो 20वीं सदी है, इसमें एग्जामिनर्स डोंट ट्रैप यू इन साइंटिफिक नेम्स एंड दे रियली डोंट लाइक टू गो आउटसाइड एनसीईआरटी बिकॉज यू गाइज आर अमेजिंग. बट माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम, इसने काफी तूफान मचाया था. ये है हमारा स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट. ओके बाकी तो सब ठीक है. और एक और बात याद रखिएगा, इसके पास कोई फ्लैजुला नहीं है, ये इंसान नॉन मोटाइल है. मैम आप तो इंसान बोल रहे हो भाई. एवरी सी आई लाइक टू गिव रिस्पेक्ट टू एवरी लाइफ फॉर्म एज मच एज आई रिस्पेक्ट ह्यूमंस. सो मेरा थोड़ा सा ऐसा ही है, दैट्स हाउ मच आई लव माई सब्जेक्ट. कूल्स या अच्छा एक और प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है ये ना, सेल्स के स्पेस के बीच में घुस वुस के कहीं भी इंफेक्शन कर सकता है. क्यों? क्योंकि इसके पास, इसको शेप देने के लिए, रिजिडिटी देने के लिए सेल वॉल नहीं है. और मैंने आपको जब बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किया था, तो मैंने आपको दो टर्म्स बताई थी जिंदगी में, पॉलीमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म. शोज प्लियोमॉर्फिज्म, इसको रटने की कोशिश भी मत करना. देर इज अ क्यू बिकॉज सेल वॉल इज एब्सेंट ना बाबा. अगर ए आर क्वेश्चन आ जाता है तो अपन अटकेंगे नहीं. सेल वॉल इज एब्सेंट.
मैम नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। इंटेलिजेंट इतने हो ना, कैसे डाउनलोड होंगे? जब तक इंटेलिजेंट रहोगे जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। द मोमेंट यू फील यू डोंट नो, जिंदगी में सब हो जाएगा। मुझे इरिटेट मत किया करो ऐसे वैसे नाम रख के चैट बॉक्स में। यू गाइज आर नॉट गोना लाइक इट। फिर कहोगे मैम आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, आप गुस्सा हो जाते हो। इफ यू कैन मेंटेन डिसिप्लिन, इफ यू वॉन्ट टू एक्ट लाइक अ लाइक दिस इज सम एंटरटेनमेंट चैनल गोइंग ऑन, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? कूल। अच्छा अब इसकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन। ओ आई लव दिस। दिव्या मिश्रा, क्वेश्चन इज फॉर यू। या ज्ञानशु ही इज अनेबल टू मूव। अगर एग्जामिनर पूछता है स्मॉलेस्ट सेल, अपन बोल सकते हैं वायरस। अगर वो पूछता है स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, लिखा ही हुआ है क्यों, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो अपन वायरस नहीं मार्क करेंगे। कूल, इज दिस क्लियर? अच्छा इस पे यूजुअल एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी। हमारी जो मेजर एंटीबायोटिक है, जिसकी बाकी एंटीबायोटिक्स और मोस्टली जो मॉडर्न एंटीबायोटिक्स है, जरा मिक्स एंड डेराइवेटिव ऑफ पेनिसिलिन, दे विल नॉट एक्ट अगेंस्ट माइकोप्लाज्मा। काहे? बिकॉज पेनिसिलिन डिसरप्ट्स द वॉल, डिसरप्ट्स द वॉल। सो माइकोप्लाज्मा अपने आप ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दिखाता है। With me on that, these are considered as gram negative U bacteria. Have I taught you what is gram negative and gram positive? Please confirm in the chat box कि आप लोगों को पता है what is gram negative and gram positive, so that I can go further. तो mycoplasma अगर होता है infection, people can be given streptomycin, क्लोरमफेनिकॉल, बिकॉज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरमफेनिकॉल विल डिसरप्ट द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। या सो वी हैव स्पोकन अबाउट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, राइट? जो ग्राम स्टेन था, क्रिस्टल वायलेट स्टेन, सिंपल सी बात है, नो बोलने वालों, क्रिस्टल वायलेट, लेट्स लेट्स गेट द चैट बॉक्स ऑफ, है ना? बताया था ना मैंने, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जब मैं इस स्टेन से ट्रीट करती हूँ और सारा कुछ करती हूँ, फिक्सिंग दे दी, 0.5% आयोडीन सोल्यूशन, उसके बाद उससे पहले पानी से धोया, उस आयोडीन ने स्टेन को फिक्स कर दिया, फिर मैंने उसको किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अल्कोहल या एसीटोन से, एसीटोन मतलब नेल पेंट रिमूवर यार, उससे जब ट्रीट किया तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने स्टेन को रिटेन किया, वो वायलेट कलर के हो गए, हाँ या ना? लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास कोई कलर नहीं बचा। काहे? क्योंकि इनमें लिपिड कंटेंट ज्यादा होता है, लिपिड कंटेंट इज मोर। तो खेल किसका है, सिर्फ इतना याद रखना, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल। अब एंजल गोयल कहेंगी मैम हट जाओ, हट जाते हैं भाई। शिवा सर लेट्स, चैट बॉक्स हटा दो यार। हाँ हटना था ना, हट गए भाई। चलिए अब हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए चैट बॉक्स में, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए चैट बॉक्स में। क्या बनता है इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग? माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन सी बात गलत है, फटाफट बताएं। आंसर केयरफुली, दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको पता लग जाएगा आपकी कितनी तैयारी है। हाँ, देर
also called as PPLO. That is true. They are pleomorphic. अभी अभी बताया है. They are sensitive to penicillin. गलत बात है. They cause disease in plants. बिल्कुल सही बात है. Alright. So now let's summarize mycoplasma with the help of Akash Baiju's app. With the help of Akash Baiju's app. So if you log into the app, if you download the app, this is how you are going to prepare for your exam. ठीक है, तो अब ऐप की वीडियो चलाते हैं. सर मुझे आउटपुट दिखा दीजिए प्लीज. आउटपुट मेरा, नॉट द चैट, आउटपुट, बिकॉज़ आई हैव टू सी ना वीडियो का. लेट्स समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड विद द हेल्प ऑफ विजुअल्स. मजा आने वाला है. डिड यू नो दैट देयर इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ यू बैक्टीरिया दैट डज नॉट हैव अ सेल वॉल. दीज यू बैक्टीरिया आर नोन एज mycoplasmas. These bacteria are an exception to the bacterial cell wall. Did you know that there is actually a group of eubacteria that does not have a cell wall? These eubacteria are known as mycoplasmas. These bacteria are an exception to the bacterial cell wall. These are the smallest living cells. And despite being so small, they are quite dangerous. They can infect plants and animals and cause diseases. They cause pneumonia-like symptoms such as cough, fever, and chills. So they were earlier called pleuropneumonia-like organisms or PPLO. They sound pretty tough, don't they? Let me tell you another interesting thing about them. Mycoplasmas can even survive without oxygen. Bacteria seem to push the boundaries of extreme living, don't they? बहुत बढ़िया, मजा आया. अगर मजा आया, वो एब्सोल्युटली पीयूष, दे आर कॉल्ड एज जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम. दे आर कॉल्ड जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, दैट्स ट्रू. चलिए, अंडरस्टूड, मजा आया. आगे चलते हैं. एक्चुअली यू शुड डाउनलोड एंड एक्सप्लोर आकाश बायजूस ऐप फॉर सच कॉन्टेंट. उससे क्या होगा, आप मुझसे तो काफी डिटेल में पढ़ते ही हो नीड सेंट्रिक इन्फॉर्मेशन. जब आप विजुअली किसी चीज को देखते हो और इस समराइज्ड फॉर्म में देखते हो, देन इट योर रिटेंशन पावर इंक्रीजेस मेनी फोल्ड्स. इसके अलावा आकाश बायजूस ऐप पे आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो. देर इज अ लर्न जर्नी, वो आपको बता देती है कि हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक, है ना. तो माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी अभी तक सवाल आए हैं, वो सारे ऐप पर आपको इकट्ठे मिलेंगे. अब ना जनता, दरअसल प्रॉब्लम ये आई, आर एच विटेकर अंकल और उनके बाद आने वाले जो भी थे, वो आज तक कुछ ऑर्गेनिजम्स को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में नहीं रख पाए. ये जो सारा प्रोसेस है, हमने पढ़ा कि भाई फाइलोजेनी इज ऑब्जर्व्ड, यू नो देर इज अ हायरार्की, देर इज अ टैक्सोनॉमी, देर आर डिफरेंशिएटिंग एंड नॉन डिफरेंशिएटिंग, कॉमनैलिटी स्टडीड, ऑल ऑफ दैट लाला, ऑल द साइंस ऑफ टैक्सोनॉमी टिल टुडे कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स विच आर कंसिडर्ड एज एक्सेप्शंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. नाउ टॉकिंग बिजनेस विद यू, वेल वेल वेल, एवरी ईयर, and I mean it, every year one MCQ is mandatory to be asked from exceptions of biological classification. There is a reason why they couldn't find a place in the best of the systems here. Okay, in the best of the systems. तो उसमें हमारा जो best friend है, हमारा cool सा दोस्त है, आसपास घूमता रहता है, that is virus. और उसके कुछ ऐसे अजीब से भाई बहन हैं, such as viroid, then there are prions and lichens, है ना. तो ये अभी तक, कोई और कल को आ जाए तो पता नहीं. मैम आज की क्लास में तो आप बहुत ज्यादा डरा रहे हो मैम, है ना. हमें इतना डरा रहे हो कि कोई आएगा हमें मार के चला जाएगा. मैम गंदे हो आप, ऐसी फीलिंग आ रही है. वेरी गुड, आनी चाहिए. हाँ, तो हुआ दरअसल ये कि क्या रीजन है कि इन ऑर्गेनिजम्स को हम कोई जगह ही नहीं दे पा रहे हैं भाई साहब. क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म हमें समझ में नहीं लग रहे हैं, हमें समझ में नहीं लग रहे हैं.
और ना ही हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को समझ में लग रहे हैं, है ना? सो हंसो मत. तो इसलिए दीज आर द एक्सेप्शंस. अपन बात करेंगे वायरसेस से, है ना? क्योंकि देखो वायरस तो फिर आजकल यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड. नो, करंट अफेयर्स आर करंट अफेयर्स. तो तुम्हें पता ही है कि आजकल दुनिया में कौन लीड कर रहा है? वायरस लीड कर रहा है ना? सो दरअसल बात ऐसी है कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड एज अ कंफ्यूजन, टू पुट इट इन द क्रूड लैंग्वेज, अ वेरी वेरी प्रॉब्लमैटिक कंफ्यूजन. ओके, थिंक अबाउट द साइंटिस्ट, डॉक्टर्स. देर आर कंट्रीज हु आर स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ मनी टू फाइंड क्योर फॉर एड्स, टू फाइंड क्योर फॉर वायरल डिजीजेस, टू फाइंड वैक्सीन्स एंड देन गिविंग वैक्सीन्स एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, है ना? सो वॉट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दे हैव द एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड. सो एज ह्यूमंस वी आर ट्राइंग टू ओवर पावर, डोमिनेट एंड कंट्रोल द लिविंग वर्ल्ड. बट वायरसेस, सो टू से, मेरी भाषा में वो क्या करते हैं? चकमा दे जाते हैं. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज चकमा? यू कैनॉट कंट्रोल एन ऑर्गेनिज्म विच इज शोइंग द फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग एज वेल एज द लिविंग वर्ल्ड. यू विद मी ऑन दैट? ओके, सो लेट्स सी वॉट आर द लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ वायरस. एंड वी नीड टू सी दिस because this is not given in the textbook. Number one, textbook will just say these are the exceptions of biological classification in the end of the chapter, and it will teach you something about ho ho ho, virus was discovered, ho ho ho, this is the structure of the virus, these are the different kinds of viruses, animal viruses, plant viruses, RNA viruses, DNA viruses, single stranded, double stranded, la la la, all of that will happen. Okay, बट इट इज इम्पेरेटिव टू अंडरस्टैंड कि ये है कौन. क्योंकि देखो बात तो ऐसी है ना कि आने वाले टाइम में फिर जब है वायरस दुनिया में, तो माइट एज वेल नो वॉट इट इज. देन पीपल विल कम टू यू एंड आस्क यार ये है क्या, एंड देन यू कैन शोकेस योर इन्फॉर्मेशन. यू वुड नो वॉट यूर डीलिंग विद, है ना? चलो, आज तो मैम ने बड़ा ही डरा दिया. तो दरअसल इसकी जो लिविंग प्रॉपर्टीज हैं, क्यों हम ये नहीं कह सकते कि इट इज एज, कैन यू टेक ऑफ द चैट बॉक्स, थैंक यू. शराफत से अगर बोला जाए तो बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग होता है वायरस. भाई हम इसको नॉन लिविंग नहीं बोल सकते, इट इज एज गुड एज दिस पेन और अ स्टोन. बाय, because it has what it takes to be living on this planet. The blueprint of the living world, the blueprint, the code of an organism who is surviving on this planet, big or small, single or double cell or whatever it is DNA. All right? And the organism has the power to multiply also when it gets this machinery. So viruses have their own genetic material, deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid, which is one of the finest code that God has written for all of us. They carry that. But the problem is, they carry only that. They don't have all that saad sajja, oh ho ho, endoplasmic reticulum, la la la, Golgi body, bhai, there is division of labor inside the cell, there is a full-fledged machinery. Not all of that. It only carries the genetic material, and that genetic material has a coat around it. Coat. Protective coat of made up of proteins. Now people, both the nucleic acid and the proteins are not rigid macromolecules. Okay, they love to change their structure. Now
I'm not going to go into the very detail of what I'm saying right now, because you're going to realize this as you study biomolecules, as you study genetics. But basic, keeping in mind ki apne ko mil bata sannada, kuch nahi aata hai, tare zameen par ho rakha hai abhi. To apne ko ye malum hai ki DNA mein मैंने इतनी सी भी छेड़छाड़ की नाइट्रोजनस बेस के साथ, साइटोसिन, एडिनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, ऊपर नीचे भी किया, लेफ्ट टू राइट भी किया, तो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म का सारा ट्रेट चेंज, म्यूटेशंस, राइट? एंड समथिंग एज सिंपल एज द यूवी रेडिएशन इन द सनलाइट और बेंजीन कंपाउंड्स कैन कॉज दीज म्यूटेशंस. दैट मीन्स this guy here designed itself or protein bhai thoda bahut temperature change kiya protein apna structure change kar leta hai. Okay, protein ka structure itni sari forms mein hai, primary, secondary, tertiary, quaternary. Oh goodness, if you don't know what I'm talking about, that's okay. If you know, that is also okay. So, इसने अपने आप को डिजाइन किया कि भैया मैं तो रोज बदलूंगा, नित नूतन बदलूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू ड्रेस अप द सेम वे एवरी डे. आई एम नॉट गोइंग टू बी द सेम पर्सन. एंड दैट इज व्हाई दीज गाइज आर एबल टू डू व्हाट दे डू. हाँ, सो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ. ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. मैम जन्म जन्मांतर से बताती आ रही है कि ऑब्लिगेट का मतलब मैं जरूरी हूं. तो ये लिविंग वर्ल्ड में तभी घुसता है जब ये पैरासिटिक रिलेशनशिप में होता है, वरना इट इज एज गुड एज अ पेन. ओके, इज दैट क्लियर? सो इट नीड्स अ होस्ट to show the features of the living world. What we are talking about undergoes mutation. Kahe? Kyunki mutation is one of the amazing properties of RNA DNA. Why DNA was considered as a nucleic as the hereditary material? Jo bade bachche hain. Do you remember genetics mein apan padhte hain na DNA versus RNA? Bahut time tak ye debate thi ki kaun hai genetic material, better material kaun hai. Ab DNA apna zyada stable hai. तो अपन डीएनए विनर बन गया. सो म्यूटेशन इज अ प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल. ओके, कॉजेज इन्फेक्शन. जब ये म्यूटेशन हुई और जब ये होस्ट पे एज अ पैरासाइट रहा, इसने क्या किया? इसने होस्ट सेल की मशीनरी को यूज किया, क्योंकि इसके पास और कोई मशीनरी नहीं है डिवाइड होने के लिए. इसने होस्ट के सेल को बोला, ऐसा आइडिया दिया कि ये वही सेल है, ये फॉरेन सेल है ही नहीं. और होस्ट के सेल में तो होस्ट का जो डीएनए है वो तो कंफर्टेबली रेप्लिकेट हो सकता है, उसको मेरी बॉडी में कोई नहीं रोक रहा है. मेरी बॉडी में मेरे ही सेल को डिवाइड होने के लिए बॉडी नहीं रोक रही है. इट इज इट कंसिडर्स इट एज माई ओन. इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज तब अलार्म होती हैं व्हेन दे अंडरस्टैंड कि कुछ फॉरेन चल रहा है सेल में, कुछ बाहर का है. ये भी आप पढ़ोगे हाउ इम्यूनिटी वर्क्स. ये भाई साहब क्या करते हैं, ये बॉडी को ऐसा मैसेज देते हैं कि तेरा ही सेल डिवाइड हो रहा है, लेकिन एक्चुअली अपना जेनेटिक मटीरियल डिवाइड करते हैं. दैट इज हाउ इंटेलिजेंट दे आर. बट दे विल नॉट रिप्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन का यहां पर सिंपल मल्टीप्लीकेशन से मतलब है. ओके, सो दे विल नॉट मल्टीप्लाई विदाउट अ होस्ट. अब ये नॉन लिविंग क्यों है? क्योंकि जब तक मैं इसको होस्ट सेल में नहीं डालती, आई कैन क्रिस्टलाइज इट, और ये एक पत्थर के समान आपको दिख सकता है. इसी वजह से आई थिंक स्टैनले वॉज द फर्स्ट वन, a gentleman who crystallized it, and tobacco mosaic virus was the first virus we studied and discovered. Tobacco mosaic virus, jisne tobacco ke plants ko destroy kar diya tha.
ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको वायरस की क्लासिफिकेशन बताऊंगी जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट इट इज इंटरेस्टिंग एंड यू शुड नो इट, एंड क्लास ट्वेल्थ में है तो क्लास ट्वेल्थ का मैं अभी पढ़ा दूंगी. आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू बी शॉक दैट टाइम एंड थिंक ओ ये हमने पहले तो पढ़ा था बट ऐसे नहीं पढ़ा था. लेट्स डू इट वंस फॉर ऑल. वॉट आर दी एनिमल वायरसेज, वॉट आर प्लांट वायरसेज, डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड, डीएनए, आरएनए, व्हाटएवर इट इज, बैक्टीरियोफेजेस एंड ऑल दैट. ओके, सो बिकॉज दे डोंट हैव अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर, अ सेल्यूलर मशीनरी, वी कैनॉट पुट देम इन एनी किंगडम ना बाबा. उसके पास प्रोकैरियोटिक सेल का भी तो स्ट्रक्चर नहीं है, कहां रखूं मैं इसको. तो वायरस, जब उससे ये पूछा गया तो वायरस ने कहा मुझे कहीं मत रखो, बस अपने सेल में और अपनी बॉडी में रखो, मैं आ रहा हूं. मैम यार इतने गंदे. ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, लैक्स एनी एंजाइम्स व्हाटसोएवर. ऐसा नहीं है कि मीजोजोम के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम मस्त से पड़े हुए हैं, रेस्पिरेशन करवा रहे, एंड वी थॉट बेचारा बैक्टीरिया गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है. स्मॉलर द ऑर्गेनिज्म, सिंपलर द स्ट्रक्चर, मोर डेंजरस इट बिकम्स. समझ आई बात लाइफ के अंदर. चलिए मैं चैट बॉक्स खोलती हूं ताकि मैं ये देखूं कि आपको क्या चाहिए. अब जो वायरस की डिस्कवरी थी वो एक दिन में नहीं हुई थी, देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल, लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल हु वर्कड ऑन इट एंड आर स्टिल वर्किंग ऑन इट, बट वी शुड गिव क्रेडिट टू अ फ्यू जेंटलमैन, शुड वी. छोड़ो ना मैम, क्या करोगे. लेट मी सी व्हाट यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट. अनीश सिंह, बीच में हंसी के ठहाके भी लग रहे हैं. लोग अपने आप से बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सब समझ रही हूं मैं. चलिए, सो इवानोस्की इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ वायरस. यार गूगल क्या बोलता है, टेक्स्ट बुक क्या बोलती है, बाकी लोग क्या पढ़ाते हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. अगर नीट में क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी डजंट टॉक अबाउट दिस clearly, but this is a previous year question, who discovered virus? Ivanovsky first discovered the virus and it was tobacco mosaic virus. Mosaic bole to ubad khabad, that you not all of you will understand. Mosaic mane not a fixed pattern, bhul bhulaiya. To us tarah ke patches the on the tobacco plant, isliye tobacco mosaic virus. ओके, एंड बेजरिंक वॉज द वन हु वर्कड विद इवानोस्की एंड ही आइसोलेटेड दिस वायरस एंड ही टोल्ड द वर्ल्ड कि भैया ये जो प्राणी है ना, ये मचाने वाला है आने वाले टाइम में. और उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, मैं इसको माइक्रोब नहीं बोल सकता, बैक्टीरिया नहीं बोल सकता, बट इट हैज द पावर, इट इज हाईली हाईली कंटेजियस. और अपनी भाषा में उन्होंने बोला कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड. ओके, तो उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया कि अगर मैं इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट से इस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करूं और हेल्दी प्लांट में इंट्रोड्यूस करूं तो ये वैसे के वैसे सिम्टम्स बहुत कम समय में उस प्लांट में दिखा रहा है. देखो वायरस ना टाइम नहीं वेस्ट करता है. ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टीचिंग यू अबाउट द इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड इज डिफरेंट, बट वंस इट इज एक्टिव इट माइट टेक इयर्स. एचआईवी वायरस कैन टेक अप टू 10 टू 15 इयर्स, 20 इयर्स टू बिकम एक्टिव. पीपल डोंट इवन रियलाइज दैट दे हैव एड्स, बट वंस इट इज एक्टिव इट डजंट वेस्ट एनी टाइम to do its job. Okay people,
सो इन भाइयों के याद अंकल्स के नाम याद रखना, बेजरिंग एंड इवेनोस्की, एंड आई वुड एड वन मोर. ओके द टीम हैज एडेड, थैंक यू बसवा सर. स्टैनले वॉज द फर्स्ट वन टू क्रिस्टलाइज टोबैको मोजैक वायरस. ओके सो हु टोल्ड अस दैट दिस इज कंटेजियस एंड कैन कॉज डिजीजेस एंड इट कैन कंटेजियस माने इट कैन स्प्रेड, इट हैज द पावर टू स्प्रेड. तो ये हमें बेजरिंग का अंकल ने बताया. लेकिन स्टैनले पहली, अच्छा अब इसका अगर स्ट्रक्चर पढ़ना है, आज हमें ये पता है कि देर इज अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड विद इन विच द न्यूक्लिक मटीरियल ऑफ द वायरस इज प्रेजेंट. दैट न्यूक्लिक मटीरियल, दैट हेरिडिट्री मटीरियल कैन बी आरएनए और डीएनए. ये स्ट्रक्चर हम तभी पढ़ पाए व्हेन वी वर एबल टू क्रिस्टलाइज दिस गाय. इट इज इवन स्मॉलर देन बैक्टीरिया. तो वो स्टैनले की हेल्प से वी वर एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे ऐसी पूरी आभास है कि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, विच वॉज द फर्स्ट वायरस. और कई जनता बैक्टीरियोफाजेस मार्क करके जाती है. ही ऑब्जर्व दैट क्रिस्टल्स मोस्टली कंसिस्टेड ऑफ प्रोटीन. तो जब इन्होंने वो क्रिस्टल को देखा तो उसमें इन्होंने ये ढूंढा फैट है, लिपिड है, क्या है. इन्होंने कहा यार ये तो क्रिस्टल पूरे का पूरा प्रोटीन से बना हुआ है. उसके बाद हमने विद द हेल्प ऑफ आर माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड टूल्स एंड एवरीथिंग वी ट्राइड टू डीकोड द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस. वी ट्राइड टू डीकोड द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस. तो स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस आज तक एक्चुअली कंप्लीटली डीकोड नहीं हो पाया है, बट जितना हो पाया है उसमें बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स. पता है क्या? इट कंसिस्ट ऑफ वन एनवेलप एंड जेनेटिक मटीरियल. दैट्स इट. वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. इज इट क्लियर? अच्छा, इनकी जो आदत है, दे आर इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. सेल के अंदर जाके अटैक करते हैं. तो ये जो एनवेलप है ना, उसको बोलते हैं कैप्सिड. कैप्सिड इज अ पॉलीमर मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट्स कॉल्ड एज कैप्सोमियर्स. दिस इज अ क्वेश्चन. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन. सो एनवेलप इज द कैप्सिड विच इज प्रोटीनेशियस एंड इट इज मेड अप ऑफ सिंगल यूनिट्स कॉल्ड एज कैप्सोमियर्स. नाउ नॉट ऑल वायरसेस कंपल्सरली विल हैव कैप्सिड. देर आर नेकेड वायरसेस प्रेजेंट एज वेल. ओके, देर आर नेकेड वायरसेस प्रेजेंट एज वेल. इन कैप्सोमियर्स की वजह से ना, जब पहली बार नेकेड वायरस आया, वायरस ने कहा मेरे को नहीं जरूरत है भाई, मेरे को कैप्सिड की भी जरूरत नहीं है. तो इस भाई साहब को प्रॉब्लम आई हमारे या अच्छे वाले होस्ट सेल्स को अटैच करने में, क्योंकि हमारी बॉडी ने कई बार इसको रिजेक्ट कर दिया. तो इसने अपने सरफेस पर ऐसे एंटीजन्स बनाए, अगेन प्रोटीन्स, राइट? ये आप ट्वेल्थ में दोबारा पढ़ोगे, जिससे इसको हमारे सेल्स में अटैच होने में मदद मिली. और जब अच्छी अटैचमेंट होती है तब ये तबाही मचाते हैं. सो कैप्सोमियर्स एड इन अटैचमेंट टू होस्ट सेल बाय इंपार्टिंग एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज. एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज टू द वायरस. तो ये क्वेश्चन आ जाता है. इट इज नॉट ओनली अ प्रोटेक्टिव कोट बट इट ऑल्सो हेल्प्स माई बॉडी टू एक्सेप्ट दिस वायरस एंड हेल्प इटसेल्फ कि आ भाई तू यहां रहे, चाय पी, पानी पी, अब जो करना है कर. दैट वे ठीक है भाई. चलो, तो मुझे ऐसा लगता है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस जो है ना, डीएनए वायरस बेस्ड ऑन द, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस कई तरीके से हो सकती है. एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, आरएनए वायरस, डीएनए वायरस, मैं कई बार बोल चुकी हूँ. ये क्लासिफिकेशन इज देयर इन ट्वेल्थ क्लास. क्या बोला मैम ने? ट्वेल्थ क्लास. स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी में अपन वायरसेस का क्या एप्लीकेशन है, अपन इसको कैसे यूज कर सकते हैं, दुश्मन को ही दोस्त बनाकर, वो सब आता है. सो आई वॉन्ट टू ले दैट फाउंडेशन इन क्लास 11th ओनली, ताकि आपके लिए That is a feared concept in class 12th. बच्चों को नहीं समझ में आता है. Vectors वाला, carriers, applications of biotechnology. So you will have a smooth transition.
आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वायरसेस मोर इन द नेक्स्ट क्लास. मैम नेक्स्ट क्लास कब होगी, क्यों होगी? सेम प्लेस, लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट टाइम, या मंडे ऑनवर्ड्स. एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन इफ यू कीप द नोटिफिकेशन ऑफ द चैनल ऑन, इफ यू बिकम अ पार्ट ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप. हाँ तो मैम आपकी क्लास मिस नहीं करनी है, इसलिए मैम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना अति अनिवार्य है. विद दिस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. लेट मी सी व्हाट यू आर सेइंग. क्यों कर रही है ऐसे? हाँ ओके. अनन्या सरकार, मिलेंद्र, एंजल, वैष्णवी, प्रेरणा, सौरभ सिंह, पूजा. पूजा थैंक यू सो मच, भगवान आपकी आत्मा को भरपूर शांति दे. हर देवी, कार्तिक, दिव्या, राजू, सुरंजन, सोहन, आर्यन, अनिस, बेटा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो. हेलो सर, चलिए थैंक यू वेरी मच, वी कैन लीव ना. ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ माइंड. सम ऑफ यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर माइंड्स. कीप स्माइलिंग एंड आई सी यू वेरी सून. कैन यू एंड द सेशन.